सेरास फूड लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेमन बार्स। ये लेमन बार्स रियली यमी और टेस्टी है। अगर आपको नींबू का स्वाद पसंद है ना, तो आपको ये डेजर्ट ट्राई करना जरूरी है। गर्मियों का समय है और अब इस गर्मी में जब आपको कुछ रिफ्रेशिंग खाने का मन करे, तो ये सिट्रस फ्लेवर वाला लेमनी बार्स को आप ट्राई करके बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका बेस काफी क्रस्टी बिस्किटी जैसा है और इसका जो टॉप है काफी सॉफ्ट एंड मशी एंड लेमनी है। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। मेजरिंग कप की 2 कप मैदा, ये मेजरिंग कप है इसका 2 कप। एक कप शक्कर। हम इसे अच्छी तरह गूंथ लेंगे, मतलब इसको सिर्फ कंबाइन करना है, मतलब आटे की तरह नहीं गूंथना है कि एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह लगे। और एक बात बस याद रखें कि जो बटर हमने लिया है वो बिल्कुल चिल्ड है, ठंडा होना चाहिए एकदम। तो वो बटर है और इसे हम इस तरह, जब देखिए ब्रेड क्रम्स की तरह लगते ना, तो इस तरह ये रेडी हो गया है। इसमें हमने एक जो पैन तैयार किया है, ये पैन है, इसमें हमने पार्चमेंट पेपर को इसको लाइन किया है, इस ट्रे को, इस बेकिंग ट्रे को। बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर में बहुत फर्क है, आप जरूर इसमें पार्चमेंट पेपर ही ट्राई करें, तो ये इजीली बाहर निकल आएगा। और अब हम इस मिक्सचर को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से लेवल करेंगे और लेवल करके इसे थोड़ा सा दबा देंगे। हमने इसमें जो मिक्स तैयार किया था उसे अच्छी तरह से लेवल करके
इसे प्रेस डाउन कर दिया है ताकि ये अच्छे से एक लेवल में आ जाए। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है तो अब हमने निकाल दिया। अब इसकी हम टॉपिंग प्रिपेयर करेंगे। कि मुझे 3 नींबू का जूस निकालने के बाद में इसमें 1/4 कप मुझे जूस मिला टोटल, तो ये जूस हम मिलाएंगे। तो अब ये टॉपिंग प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 1 कप शक्कर और 1/4 कप नींबू का जूस जो हमने निकाला था। 3 नींबू से ये जूस निकला है। ये 2 अंडा लेंगे, 2 पूरा अंडा और 1 जर्दा यूज करेंगे हम, तो ये 2 अंडा इसमें फोड़ के डालेंगे। और ये किए अंडे का जर्दा। दो तरीके से आप ये नींबू के जो येलो कलर की जो ऊपर की तह है ना, इसे आप ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान दें कि इसके अंदर का जो पिथ है, अंदर का जो व्हाइट पार्ट है, ग्रेट होकर अंदर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये बहुत कड़वा हो जाएगा। तो एक तो हम इसे जेस्टर की सहायता से करेंगे, इसे लेमन जेस्टर कहते हैं इससे, और दूसरा ग्रेटर। ये जो ग्रेटर है इसका जो छोटा वाला ये है, इस पे हम इसको ग्रेट करेंगे। और लेकिन इसको बहुत हल्की तरह से ग्रेट करेंगे ताकि अंदर का व्हाइट पार्ट इसमें गिरे नहीं। नींबू का ये जो छिलका हमने निकाला था, लेमन येलो कलर, 1 चम्मच वनीला का एसेंस, ये मैदा है, ये हमारे सादे जो खाने के चम्मच है ना छोटे वाले, उसमें मैंने हीप्ड टीस्पून्स, ऐसे 2 टीस्पून मैंने लिया है, वो मैदा भी हम इसमें मिला लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे फेंट लेंगे। शक्कर मिल जाना चाहिए और हर चीज कंबाइन अच्छी तरह हो जाना चाहिए। अब ये हमारा मिक्सचर ऊपर का टॉपिंग रेडी हो गया। इसे हम बेस के ऊपर इसको फैलाएंगे। फिर से हमने इसे बेक करने के लिए रख दिया है। ये करीब 8-9 मिनट हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के बबल्स आ रहे हैं और लाइक सेट हो गया है, सेट हो रहा है। तो अब इस वक्त में हम एक ये फॉइल इसी के ऊपर कवर करके रख देंगे ताकि ना ऊपर का टॉप ब्राउन ना हो।
ओवन से बाहर। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हमने पाउडर्ड शुगर ऊपर से स्प्रिंकल किया है पूरी तरह ठंडा होने के बाद में।